आज हम जानेंगे बीजों का प्रकीर्णन यानी बीजों का फैलना। बीज कई प्रकार से फैलते हैं, जैसे वायु द्वारा, जल द्वारा, जीवों द्वारा, पक्षियों द्वारा, परस्फुटन यानी समय फटने से। वायु द्वारा कुछ पौधों के बीज हल्के रुएदार व पंखदार होते हैं, वे हवा के साथ उड़कर दूर दूर तक बिखर जाते हैं, जैसे चिलबिल, सिरस, मदार आदि। ये पकने पर रुई जैसा रूप धारण कर लेता है। अभी ये थोड़ा सा कच्चा है इसलिए इसमें रोएं कम दिख रहे हैं, लेकिन ये जब पक जाता है तो बिल्कुल रुई की तरह सफ़ेद होकर हवा में उड़ता रहता है। जल द्वारा बहुत से फल व बीज पानी द्वारा बहकर काफ़ी दूर चले जाते हैं। ऐसे पेड़ जो नदी तालाबों के किनारे होते हैं, उनके फल पककर पानी में गिर जाते हैं और दूर दूर तक बहकर चले जाते हैं, जहां पर वे अंकुरित होकर उगाते हैं, जैसे लीली, नारियल, कटेल, कमल आदि। जैसे ये नारियल है, जब पेड़ से टूटकर पानी में गिरता है तो ये ऐसे बहकर दूर दूर चले जाते हैं। जीव जंतुओं द्वारा कुछ बीज कटीले तथा हुक जैसी संरचना वाले होते हैं। ये जीव जंतुओं के शरीर व हमारे कपड़ों पर चिपक कर दूर दूर तक चले जाते हैं, जैसे जेंथियम, यूरेना, धतूरा आदि। जैसे ये देखिए आप, इसमें ये कांटेदार हैं और ये कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बेर के बीज ऐसे होते हैं, लेकिन उस पर ऐसे ही रोए होते हैं और वो कपड़ों पर या जीवों के शरीर पर चिपक कर दूर दूर चले जाते हैं। पक्षियों द्वारा बरगद, पीपल आदि के फलों को पक्षी खा लेते हैं, परंतु बीजों को पचा नहीं पाते। ये बीज मल द्वारा बाहर आ जाते हैं तथा नमी पाकर अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन होता है। ये हमारे बरगद के फल हैं, जिनके बीजों को पक्षी खा लेते हैं लेकिन पचा नहीं पाते हैं, और इस प्रकार ये उनके मल द्वारा प्रकीर्णन